मां के निधन पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की जांच शुरू, इलाके में अतिरिक्त पुलिस तैनात। बढ़ते क्राइम पर तेजस्वी का सीएम पर तंज, बोले नीतीश कुमार की गैंग चला रही बिहार। अब तक 112 करोड़ से ज्यादा डोज लगी, 24 घंटे में 57.31 लाख लगाई गई कोरोना वैक्सीन। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का केस, बांद्रा पुलिस ने दर्ज करी एफआईआर। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। बलिया के बास्ती में पहुंची प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, इस दौरे में उन्होंने अखिलेश के साथ विलय करने के सवाल पर कहा कि मैंने तो 2 साल से प्रयास किया कि पार्टी में समान विचारधाराओं हो, और साथ ही 45 साल मैंने मुलायम सिंह के साथ काम किया और काम करके बुलंदी तक भी पहुंचाया। जिसके बाद कांग्रेस और ओवैसी के भेंट की सवालों पर शिवपाल बोले कि ये एक शिष्टाचार भेंट है और अब चुनाव नजदीक है तो मुलाकात होना लाजमी है। औरैया के बिधूना में जयश्री गेस्ट हाउस में भाजपा नेत्री सुनीता सिंह का जोरदार स्वागत किया गया, जबकि भाजपा नेत्री ने क्षेत्र के भाजपाइयों का स्वागत किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैसे तो वो बिधूना विधानसभा से टिकट मांग रही हैं, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया तो जो भी प्रत्याशी आएगा वो उसका समर्थन करेंगी। इस दौरान कार्यक्रम में सुनीता सिंह ने जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनका स्वागत और सम्मान किया। देखिए, यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है वो राजनीतिक ऐसा नहीं है कि कोई चुनावी कार्यक्रम है। ये मैं चाहती थी कि जितने भी वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन सब से मैं परिचय करूं और उनको ताजमहल परिसर और सीए के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस दौरान तोड़फोड़ में सीए के ऑफिस की मेज का शीशा तोड़कर जमकर हंगामा किया गया। तोड़फोड़ करने वाला जगजीवन शर्मा खुद को पीएसी का असिस्टेंट कमांडेंट बता रहा है, जो परिवार के साथ ताजमहल देखने आया था। जगजीवन शर्मा की तोड़फोड़ और हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से की गई है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी सिर्फ पुतला फूंकने का कृत्य किया गया है, लेकिन असल में भी उनका पुतला फूंका जाएगा। जिसको आपको बता दें कि इस बीच देश और प्रदेश के अंदर सलमान खुर्शीद के खिलाफ तमाम तरह का प्रदर्शन हो रहा है, कहीं उनके पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा जिस तरह से ये टिप्पणी की गई है, ये बयान दिया गया है और उस बयान को अपनी पुस्तकों में दर्शाया गया है, यह हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ये बिल्कुल गलत विचारधारा भावना रखना है। इस विश्व में सबसे बड़ा धर्म, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाला भारत देश, उस समस्त भारतवासियों के। गोरखपुर में महिला कांग्रेसियों ने कंगना रनौत के बयान पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत का पुतला फूंका। बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने देश के राष्ट्रपति
राष्ट्रपिता गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की थी और कंगना रनावत ने कहा था कि हमें 1947 की आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी हमें 2014 में मिली है। इस बयान के बाद लगातार कई पार्टियां और संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी इसको लेकर अपना विरोध जताया था। आज गोरखपुर में महिला कांग्रेस की टीम ने कंगना रनौत का पुतला फूंकते हुए इससे पद्मश्री वापस लेने के साथ ही इस पर मुकदमा करने और जेल भेजने की मांग भी की है। कांग्रेसियों का कहना है कि कंगना रनावत देश के राष्ट्रपिता और शहीदों का अपमान कर रही हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग ने गोरखपुर में कंगना रनावत जी का पुतला फूंका। किस संदर्भ में फूंका वो मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि महात्मा गांधी ने जो हमें आज़ादी दी है वो कहीं ना कहीं भीख में मिली हुई है, असली आज़ादी इनको 2014 से मिली है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सारे जिनके भी जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है आज के बलिदान में, अपने देश को बलिदान की तरीके से और आज़ाद कराने में जिसने कुर्बानी दी है उनका कहीं ना कहीं अपमान किया है। उन्होंने लाठी खाई, जेल गए, अपने परिवारों को सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसके बाद भी इस तरह का उन लोगों के लिए अपमान होना कहीं ना कहीं ये देश का अपमान है। और मैं समझती हूँ कि जैसे उनको पद्मश्री दिया गया है तो उन्होंने पद्मश्री की भी गरिमा नहीं रखी और उसका अपमान भी किया है। उससे ज़्यादा कंगना रनावत से ज़्यादा ये सरकार जिम्मेदार है जिसने कि इस तरह के लोगों को पद्मश्री दिया है और इस पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं जल्द से जल्द हम सब महिला कांग्रेस की तरफ से ये अपील करती हूँ कि उनको जल्द से जल्द उनका पद्मश्री। झांसी में 552वें गुरु नानक देव पर्व की यात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सिपरी बाजार झांसी के तत्वाधान में नगर कीर्तन शाम 4 बजे गुरुद्वारा झोकन बाग से आरंभ हुआ है, जिसके बाद इलाइट सिपरी बाजार मुख्य मार्ग गुरु नानक देव चौक सुभाष मार्केट होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सिपरी बाजार पहुंचा। झांसी शहर के मध्य इलाइट चौराहे पर सिख समाज द्वारा अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे लोग देखकर चकित हो गए। मैनपुरी में महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि पर महर्षि मार्कंडेय इंटर कॉलेज परिसर के ग्राम बिधुना में संवेदना फाउंडेशन की तरफ से 51 कुंडीय संवेदना यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें रामदेव महाराज और अनंतानंद महाराज इस महायज्ञ में शामिल हुए, जबकि ये यज्ञ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के अवसर पर आयोजित किया गया। ये महर्षि मार्कंडेय ऋषि की पावन तपोभूमि पर देश आजाद हुए 75 वर्ष लगभग हो गए। इस तालाब की, इस मंदिर की सरकारों में बड़ी दुर्दशा थी और बहुत लोग जानते यहाँ आते थे, यहाँ पे बड़ी दुर्दशा थी। अनुजेश प्रताप जी जब जिला पंचायत लड़ने आए तो चूँकि छोटे भाई हैं, चूँकि माताजी उर्मिला यादव पूर्व विधायक हिरौर से मैंने वचन लिया था कि यदि आप अध्यक्ष जिला पंचायत हो जाते हो तो इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए, तो सबसे खुशी की बात ये कि आज 51 कुंडी यज्ञ में आपका आर्थिक सामाजिक हर तरह सहयोग है और हम सभी क्षेत्रवासियों से जनपद वासियों से चाहेंगे कि आपके यशस्वी होने की आपकी राजनीतिक प्रश्न। रायबरेली के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में मेगा कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य समेत जिलों के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला जज अब्दुल शाहिद ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जन जन तक विधिक साक्षरता फैलाने के लिए जिले भर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव समापन से एक दिन पहले यहां आयोजित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। इस अवसर पर जिले के अधिकारियों समेत रेल कोच प्रबंधन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
जिला जज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मेगा कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देश में इस वक्त अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं रायबरेली के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आज मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला आयोग की सदस्य समेत जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और इस मौके पर जिला जज अब्दुल राशिद ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जन जन तक विधिक साक्षरता फैलाने के लिए जिले भर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है। रायबरेली में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान गुरबख्शगंज थाना के कई गांव जैसे राजापुर, घाटमपुर सहित आधा दर्जन गांव पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 90 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 15 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। तो शराब निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रायबरेली पुलिस के द्वारा कई गांव में छापेमारी कर कई शराब नष्ट करी गई है। आपको बता दें कि काफी मात्रा में शराब और लहन को नष्ट किया गया। शराब निर्माताओं पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छापेमारी के दौरान 90 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 15 क्विंटल लहन नष्ट की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, आए दिन कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया जा रहा है, तो किस और कदम बढ़ा रही है रायबरेली पुलिस? देखिए, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी होने वाले चुनावों के मद्देनजर ये अभियान चलाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अभियान 24 घंटे चल रहा है। जहां जहां भी कच्ची शराब बनाई जा रही है, उन स्थानों पर पुलिस लगातार छापे मार रही है। और इसी तरह पूरे जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है कच्ची शराब के खिलाफ। से बड़े पैमाने पर कच्ची शराब, अवैध शराब बनाने का जो ये काम चल रहा है, और इस तरह से अब जो छापेमारी चल रही है, तो अब क्या असर पड़ रहा है ऐसे लोगों पर जो इस तरह के नशीले पदार्थ बनाते हैं? नहीं, निश्चित असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कच्ची शराब बनाने वालों के डर मन में खौफ हो रहा है, क्योंकि लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है। मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। तो आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसकी वजह से शराब निर्माताओं में हड़कंप मच गया है। फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय जोगापुर विकासखंड देवमई में बाल दिवस के मौके पर बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने तरह तरह की दुकानें सजाई, जिसका ग्राम प्रधान, उसके सहयोगी एवं अभिभावकों ने आनंद उठाया और बच्चों का उत्साह वर्धन किया गया। बच्चों ने इस मेले में अपने व्यवहारिक जीवन में लाभ हानि का मूल्य भी समझा। वही अब खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां थाना क्षेत्र बेवर के किशनपुर गढ़िया में एक महिला सरला देवी ने सीओ को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसकी पुत्री की 15 तारीख को शादी है। अब उसी के परिवार के सदस्य, जो कि महिला के घर के सामने की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने जबरदस्ती मकान के सामने की टीन आदि को भी गिरा दिया है। महिला ने बताया कि परिवार के ही कुछ लोग एक राय होकर मेरे पति और पुत्र को मारने में लगे हैं और अवैध असलाह भी लेकर आए हुए हैं। पीड़ित सरला देवी ने बताया कि उन्होंने धमकी देकर कहा कि जब पुत्री का विवाह करोगे तो उसी दिन तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो डराने धमकाने का यह मामला मैनपुरी से सामने आया है, जहां महिला ने तहरीर दी है। मेरा नाम है। क्या समस्या? समस्या हमारी, हमारा एक मकान है जी। जिस मकान जो है ना, उसमें हम पलस्तर करा रहे थे एक बार सर जी। पलस्तर कराते कराते गांव के ही राजेंद्र, हाकिम, विपन और बीकेंद्र, ये लोग सारे लोग मिल के आए। तुरंत इन लोगों ने टीन फीन हटाई, पिताजी को मारा पीटा, हमें भी बहुत मारा पीटा। ठीक है, तो इसकी शिकायत आज आपने की है, तो क्या कहा? शिकायत मैंने सीओ साहब से करी है। सीओ साहब ने कहा है कि हम जांच करेंगे, उसके बाद निराडर होगा। सीओ साहब ने कहा नेकपाल और SDM पहुँचेंगे, उस जगह की जांच करेंगे, उसके बाद निपटारा होगा।
गांव के पूर्व प्रधान है, वो उनको कब्जा कराना चाहते मेरे गेट के सामने। तो दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां महिला की पुत्री का विवाह है तो वहीं उसके पड़ोसी और जो रिश्तेदार भी हैं वो धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि पति और पुत्र की हत्या कर देंगे। और कब्जा करने की वजह से, जो ये कब्जे का मामला, जमीनी विवाद का मामला बताया जा रहा है, घर के सामने की जो जमीन है उसे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। महिला ने शिकायत दी है कि हथियार लेकर आए हुए हैं और बेटी के विवाह में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, साथ ही जमीन कब्जा करने के लिए डरा और धमका भी रहे, मारने की धमकी दे रहे हैं। तो दबंगों की दबंगई सामने आई है मैनपुरी से, जहां एक महिला ने, जो जिसका नाम सरला देवी है, उसने सीओ को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि उसकी पुत्री की 15 तारीख को शादी है और अब उसी के परिवार के सदस्य, जो कि महिला के घर के सामने की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने जबरदस्ती मकान के सामने की टीन को गिरा दिया है। महिला ने बताया है कि परिवार के ही कुछ लोग एक राय होकर पति और पुत्र को मारने के लिए अवैध असलाह भी लेकर आए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुनीश जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। मुनीश, क्या है पूरा मामला, किस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है महिला द्वारा? जी, आपको बता दें, पूरा मामला मैनपुरी जनपद के देवर थाना क्षेत्र के किशनपुर गलिया नामक ग्राम का है, जहां पर एक महिला जो सरला देवी है, उसने कल जो है दिन में सीओ जी से मुलाकात की। सीओ से मुलाकात करने के बाद में पूरा मामला अवगत कराया और उन्होंने बताया सरला देवी ने कि ये जो दबंग लोग हैं, गांव के ही हैं, वो जो है उनके घर के सामने टीन और जानवरों को बांधने के लिए जगह है और भूसा वगैरह भी एक साइड में रखा हुआ है, तो उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। जैसा कि बाहर वीडियो में दिखाया भी गया है कि कुछ दबंग उनकी टीन वगैरह जो रखी है उसको तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अब इस शिकायत पे क्या एक्शन लिया है, किस तरह से दबंगों को रोका गया है? शिकायत के लिए आज जांच के लिए टीम भेजी गई है। अब उन्होंने कहा है कि जांच होने के बाद जो भी होगा तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी के लिए। मैनपुरी से हमारे साथ संवाददाता मुनीश जुड़े थे। संभल के कुड़ फतेहगढ़ के गांव मल्लपुर भवानी में हरि सिंह नाम के व्यक्ति ने बाइक से एक बच्ची को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल करने की शिकायत लेकर जब गांव के कुछ लोग हरि सिंह के घर पहुंचे तो हरि सिंह ने और उसके दोनों भाइयों ने शिकायत करने आए लोगों पर गोली चला दी और लाठी डंडों से भी हमला करते हुए बुरी तरह से मारा। इस दौरान घायल हुए लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ये दो पक्षों में लड़ाई हुई है, जिसके लेकर के 9 लोग हमारे अस्पताल में आए, जिनका सभी का उपचार यहाँ पर करा, सभी 9 के 9 लोगों को रेफर करा गया है जिला अस्पताल संभल के लिए। हालत किसी की गंभीर नहीं है, सबको उपचार पूरा मिला है। तो किस तरह से क्या लगा था, क्या लगा था इनके? जगह जगह पिन पॉइंट लेसरेटेड वुंड आए हैं इनके। अब उसकी जाँच ये करने के लिए उसी लिए एक्सरे कराया गया, ताकि इससे पता चले कि ये किस चीज के निशान है। उसी चीज के सभी लोगों को, 9 के 9 लोगों को रेफर करा गया है जिला अस्पताल संभल के। सभी के एक ही तरह के निशान है, कुछ लोगों के खुली हुई चोटें भी हैं, जैसे लाठी वगैरह से लगा हुआ, तो जिस जो जो हिस्से हैं वो सारा मेंशन करा गया है। वो जो है उसका भाई जा रहा था रोड से, अवनीश, वो हरि सिंह का भाई अवनीश, तो एक हमारे भाई की बच्ची खेल रही थी वहाँ, वो लेग गार्ड में लग गई खिचड़ी बहुत दूर, वो है प्लेटिना, वो CT 100। हाँ, तो जो है उसे रोका था, वो भाग आया, फिर वो जो है एक पीछे से और गाड़ी ठोंगा दे रहा, तो एक जगह वो गिर भी गया गाड़ी में। गिरने के बाद फिर वो अपने घर पे आ गया, फिर उसे समझाने गए थे हम लोग, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हम हमें गांव वाले, फिर जो है उसे समझा। अलीगढ़ पलवल हाईवे मानपुर खुर्द गांव के पास टेम्पो और कार के आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। उसी दौरान सड़क किनारे गुजर रही एक बाइक टेम्पो और कार से जा टकराई, जिसमें बच्चे समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है।
सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार अभियुक्तों को रेलवे जीआरपी ने गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार समेत चोरी की गई कई सामान जब्त किए गए। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त के अन्य साथियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है, जबकि ये गैंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की ट्रेनों में ही वारदात को अंजाम देते थे। पिछले कुछ दिनों से कुछ अपराध बढ़ गए थे। लास्ट टाइम भी मेरे द्वारा जब यहाँ पे क्राइम मीटिंग की गई थी तब एक पैटर्न पाया गया था। ऐसा लग रहा था कि सुबह के समय आउटर में कोई एक पर्टिकुलर गैंग वर्क कर रहा है, उनका काम करने का तरीका भी सेम था। तो मेरे द्वारा ये टारगेट यहाँ के थाना प्रभारी को दिया गया था और सीओ सहारनपुर को स्पेशली मैंने कहा था कि इसको लीड करें। उनको दो लोग मैंने सर्वेलेंस में भी लगवा के दिए थे। तो पिछले कुछ लगभग एक महीने से जब मैं लास्ट मीटिंग यहाँ पर करी थी तब से हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके इसके ऊपर वर्क कर रहे थे और इसको वर्क करते हुए सक्सेसफुली हमने अपने चार घटनाओं का अनावरण किया है और इसमें एक गैंग पकड़ा गया है जिसका लीडर जॉनी है। ये सहारनपुर का रहने वाला है और इसके ऊपर कुल मिला के अब 16 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके साथ इसके तीन साथी हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके ऊपर हमारे जो चार मुकदमे हैं जो कि इंटर रिलेटेड लग रहे थे हमको, उसका इन्होंने कारित करना एक्सेप्ट किया है। इनके पास से बरामदगी हुई और जब हमने इनके रहने के स्थानों को जाके वहाँ पर हमने जब इसका छानबीन करी तो वहाँ से हमें टोटल 21 मोबाइल्स रिकवर हुए हैं, इनमें से कुछ हमारी घटनाओं से लिंक। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।